कौन है? पता नहीं यार। रेप करके आया है और स्टाइल देखो कैसा मार रहा है। ये कितना हैंडसम है यार, इसने ऐसा काम क्यों किया? मन कर रहा है इसको प्रपोज कर दूं। सुंदर इंसान की पहचान उसके दिल से होती है, चेहरे से नहीं। बाप रे, इसे देख के तो कंफर्म हो गया कि ये रेपिस्ट के साथ साथ गुंडा भी है। छोड़ो ना, हम अपना काम करते हैं। ठीक है। ए, सबको कोर्ट लेकर जाओ। बेड़िया निकालो, लोग क्या समझेंगे। बेटा जरा इनको पानी पिलाना। कुंभी, वो देख मेरी वाली। हाँ, ये तो वही है। इस वक्त वो यहाँ कोर्ट में है, इसका हाँ, मतलब वो जरूर लॉयर होगी। हाँ, सर सर सर, सर हाँ, वो लोग कौन से केस में अंदर आई हैं? अच्छा, वो महिलाएं हाँ, वो सारी खूंखार चेन लुटे रही हैं। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जब वो अपने गहने चंदा पेटी में डाल रही थी। ऐसी लड़कियों से तो शादी करनी चाहिए। अच्छी लड़कियों से तो कोई भी एरा गहरा नत्थू खेरा शादी कर लेता है, मगर अच्छे लड़के की पहचान तभी होती है जब वो ऐसी भटकी हुई लड़की को शादी करके गलत रास्ते से सीधे रास्ते पर लेकर आता है। ऐसा क्या? तो फिर वही लड़की काहे को? उसकी सहेली तो उससे भी बड़ी चोरनी है। हाँ, ऊपर वाले ने मेरी जोड़ी उस लड़की के साथ स्वर्ग में बनाई है। हाँ, और उसकी सहेली के साथ तेरी हाँ, जोड़ी उसने जरूर नर्क में बनाई होगी। शादी के हसीन सपने बाद में देखना, पहले चलकर फाइन भरो। सर मैं काम करके आता हूँ, दो मिनट। साहब तुम्हारे लिए खाली नहीं बैठा। चलो रुकिए, सुनिए तो। हे, क्या हुआ इतनी भीड़? ए, अरे अबे, ए, साइड में आ, साइड आ। अबे सामने देख कौन आ रहा है। कोट है, लफड़ा नहीं। तू जानता है वो कौन है? जो भी होगा अपने घर पे होगा। हा? उसकी वजह से मेरी वाली कहीं खिसक गई यार। अबे कहाँ जाएगी तेरी वाली, ये तो उसका ही घर है, होगी यहीं कहीं। तेरी किस्मत में होगी तो पक्का मिलेगी। अब चलना यार। चल, चल, रुकना यार, देखते हैं ना। मम्मा मम्मा, खाना पका रही हो क्या? अच्छा माँ, तुम्हें किस टाइप की बहू पसंद है, मतलब वो कैसी होनी चाहिए? क्यों बेटा, अचानक ये क्यों पूछ रहे? ऐसे ही माँ। मेरी बहू वो बनेगी जो सबसे पहले अच्छी पत्नी बनेगी। हाय, मम्मी आ जाएंगी। मम्मी, तुम्हारी बहन को ननद नहीं अपनी दोस्त समझे। पीलो, पीलो। लग गई। तुम्हारे पापा की अच्छे से सेवा करे। घड़ी, रिंग, चेन। और मेरी बहू नहीं, बेटी बनकर रहे। अरे ये क्या? ए, चल निकाल। मर गया। और कुछ? मुझे तो बस यही चाहिए। शादी का सारा खर्चा हम करेंगे, सगाई की अंगूठी पहनाएंगे और लड़की हमारी। कहीं वो अंगूठी भी ढाप के भाग ना जाए। हाँ? कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं माँ। तुम क्यों रो रही हो? माँ, हर रोज मेरे कॉलेज के पास कुछ गुंडे मुझे आके छेड़ते हैं। वो उन्हीं लड़कियों को छेड़ते हैं जो सीधी होती है। माँ, अगर वो गुंडे सीधी लड़कियों को छेड़ते हैं तो फिर ये क्यों रो रही है? माँ, इससे कहिए कि यहाँ से चला जाए। मैं कहीं नहीं जा रहा, जो करना है कर ले। ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। आयशु, खाना ठंडा हो रहा है। मुझे नहीं खाना। हेलो ऐश्वर्या,
कॉलेज में छेड़ा था उनकी धुलाई तेरा भाई कर रहा है। सच में? अरे गलती से मिस्टेक हो गया, अब नहीं करूंगा। अरे वो तो मेरी छोटी बहन है, कहो तो राखी बंधवा लूं। अरे मम्मी बचाओ, मर ही गया। ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि तेरा बदला लेने के लिए उनकी धुलाई की है। उनका टेस्ट इतना खराब हो गया कि वो तुझे छेड़ने लग गए। आज कल के लड़कों का स्टैंडर्ड कितना गिर गया है। आओ भाई आओ। सर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सर, मैं पैसे लौटा दूंगा। चुप, अगर इसने पैसे दिए तो इसे छोड़ देना, वरना बेसमेंट में इसकी कब्र खोद देना। वन मिनट सर। सर एक मिनट सर, आप यहीं रुकिए, चेक करना है सर। आप यहीं रुकिए सर। सर मैं जाता हूँ, तू आ जाना। अबे रुक तो, यहाँ क्या है? और इधर, ये मूर्ति जब जेब में हो तो संकट पास नहीं आता। जय हो। हाय, तुम तो बहुत क्यूट लग रही हो। हाँ भी। बाय बाय। अरे बेटा तेरी चेन कहाँ गई? मुझे नहीं पता, मैंने कहा था पहन के नहीं आना। गली गली गली। ए काम हो गया, अपना प्लान एकदम मक्खन की तरह काम कर गया। हाँ कॉलेज के बाहर मिलना, अपना हिस्सा बांट लेंगे। ठीक है यार। कुम्मी लगता है इनका चेन स्नैचिंग का बड़ा गैंग है। और तुझे इससे शादी करनी है? ये लोगों की चेन चुराती है, लेकिन तेरा तो चैन चुरा लेगी। ओ नो, ये तो वही दोनों रेपिस्ट्स हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं। बच के निकल गई। कहाँ गई? हे तू वहां ढूंढ, मैं यहाँ ढूंढ। ठीक है ठीक है। देखो मैं जानता हूँ कि तुम इसी पार्किंग में कहीं छुपी हुई हो। ओह नो, उसे पता चल गया। पिछले कई दिनों से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था, अब आई ना ऊंटनी पहाड़ के नीचे। खुद को मेरे हवाले कर दो तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। पापी कहीं का। लेकिन अगर मुझे गुस्सा आ गया तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। फिर पुलिस तो क्या, कोर्ट भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। मैंने पकड़ लिया तो जकड़ लिया। मैं सिर्फ तीन तक गिनूंगा, उसके बाद तुम्हारा वक्त खत्म। 1 2 3 ए! आगे बढ़ाना तो बहुत पछताएगा। अच्छा आइडिया है, तो तुम आगे बढ़ो ना। ए, मेरे करीब मत आना। देखो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, जो मांग रहा हूँ दे दो, दे दो ना। देखो जिद मत करो, दे दो ना। आगे मत बढ़ना। कर लिया। तुम्हें क्या लगा लड़कियाँ कमजोर होती हैं? मैं झांसी की रानी हूँ, मुझसे पंगा लिया तो। ये मैं क्या बोल रही हूँ? वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि आंखों में क्या स्प्रे? हाँ पेपर स्प्रे। तो तुम्हें क्या लगा मैं तुम दोनों से डर जाऊंगी? हाँ रेपिस्ट कहीं के। आज के बाद लड़कियों से मत भिड़ना। नारी शक्ति जिंदाबाद। रैम्बो, भगवान ने मेरी आंखें खोल दी, मैं देख सकता हूँ। चुप, एक्टिंग करता क्या हैंडसम लग रहा हूँ। क्या यहाँ से निकलते हैं, जल्दी करना यार। ए, पागल हो गया है क्या तू? ए, क्या मच लगा रखी है तू? यहाँ चलना, निकलते हैं। चलना यार। आंखें किसको दिखा रहा है बे? रैम्बो छोड़ना उसको। चल आगे नीचे कर, आगे नीचे कर, अपनी बना नोच डालूंगा। अबे गधे समझ में नहीं आता है क्या? भाई 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 भाई, भाई ये गरम खोपड़ी का आदमी, इसको गुस्सा मत दिलाना भाई। क्या हुआ, मुन्ना को गुस्सा है क्या? मुन्ना को किस बात पर गुस्सा आता है? बाल बिगाड़ने पर आता है क्या, या कान में उंगली घुसाने पर आता होगा, या फिर ऐसी हरकतें करने पर आता होगा ना?
जिस बात पर गुस्सा मैं कर दूं। तेरी शकल देखकर ही मुझे गुस्सा आ गया था। एक तो सड़ी हुई शकल, ऊपर से दिमाग से पैदल। मैंने पहले ही बोला था। कौन है वो? भाई वो वही है जिसने कोर्ट में आपका रास्ता रोका था। नहीं, वो चाहे कोई भी हो, उसने मेरे आदमियों पर हाथ उठाने की हिम्मत की है। मुझे वो चाहिए। वो जहाँ कहीं भी हो उसे उठा के लाओ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के हमारे मॉर्निंग शो की गेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्यूट, यंग, डायनामिक गर्ल है। नाम है अनन्या। वेलकम टू द शो अनन्या। थैंक यू। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं। मैं आज बहुत ज्यादा दुखी हूँ। अच्छा अनन्या, ये बताइए कि आखिर बात क्या है? हमने इतनी मुश्किलों का सामना किया, जो हुआ ठीक नहीं हुआ। लगता है चेन चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। ये वही स्कूल है जिसका उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया था। अब देखिए इसकी हालत क्या हो गई है। इसलिए हमने अलग अलग ग्रुप बनाकर इस स्कूल के लिए फंड कलेक्ट किया है। चेन कतरी शरीफ बन रही है। फंड कलेक्ट करने के लिए हमने एक नया आइडिया निकाला। जहाँ भी लोगों की भीड़ ज्यादा होती है, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल पर, हम वहाँ फंड डोनेशन बॉक्स में खुद अपने गहने उतार कर डाल देते थे। रैम्बो, लोगों में पैसे डोनेट करने का जोश आता था। तू उसे घूर क्यों रहा है? तू जानता है उसे? कई सारे लोग पैसे डोनेट करने लग गए और हमारे पास काफी पैसे जमा हो गए। इसका मतलब मेरी वाली चोरनी नहीं है। दिखने में तो सुंदर है रैम्बो, ऊपर से समाज सेवा भी करती है। इसका नाम क्या है? अनन्या। वो काम क्या करती है? माँ वो डब्बा लेकर सिग्नल पे। अबे चुप, आर्किटेक्चर पढ़ रही है। ये तुझे कैसे पता? टीवी पर बताया। रैम्बो रैम्बो, मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई रे। माँ, इस गधे का चेहरा देख के लगता है कि वो इसे घास भी डालेगी। ए, तुझसे किसी ने पूछा? माँ को पसंद आ गई तो कहानी खत्म। माँ, रैम्बो की सीधी बात ये है कि शादी की तैयारी शुरू कर दो, जल्द ही तुम्हारी बहू घर आएगी। ओके थैंक यू।